हाय फ्रेंड्स, जब हम लोग अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में हम लोग जब भी कोई नया एसएसडी या फिर नया हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं तो उसमें हम लोग डिस्क पार्टीशन करते ही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस डिस्क पार्टीशन में हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिस्क पार्टीशन कर देते हैं, यानी कि अगर हमको दो डिस्क पार्टीशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम लोग तीन या फिर चार कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मेन ड्राइव होता है उसमें जो है स्पेस कम पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जो स्पेस होता है वो कम हो जाती है, इसलिए हम लोग उस समय चाहते हैं कि हमारा डिस्क पार्टीशन जो है यहाँ पर हम लोग हटा दें और सभी डिस्क पार्टीशन को एक में मर्ज कर दें, या फिर जिस पार्टीशन की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं और वापस से हम लोग उसको मर्ज करके उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूं, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस डिस्क पार्टीशन को कैसे हम लोग हटाएंगे और वापस हम लोग कैसे उसको मर्ज करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ पर जब हम लोग माय कंप्यूटर में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क सी है और यहाँ पर न्यू वॉल्यूम डी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा सी ड्राइव है इसका यहाँ पर हमारा डिस्क पार्टीशन हुआ है 36 GB का। तो इसको हम लोग कैसे इसमें मर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास केवल यहाँ पर 4 GB जो है स्पेस यहाँ पर लगभग बचा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे इसमें मर्ज करेंगे और अपने सी ड्राइव के कैपेसिटी को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं और वापस आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आपको कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पर स्टार बटन में जा सकते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर मिलेगा, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और मैनेज में जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट का विंडो ओपन हुआ है, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। इस पर अगर हम लोग चाहते हैं तो जो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्क का पार्टीशन हुए हैं ये सभी जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर डिस्क 0 है जो कि हमारा बेसिक है, यहाँ पर ये 120 GB का है, और डिस्क 1 जो है यहाँ पर 256 का है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क 1 में जो हमारा सी ड्राइव है इसमें हम लोग इस न्यू वॉल्यूम को मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो न्यू वॉल्यूम डी है यानी कि जो हमारा डी ड्राइव है इसको हम लोग डिलीट करेंगे और सी में हम लोग मर्ज करेंगे। तो इस पार्टीशन को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले करना ये होगा कि आपके जो न्यू वॉल्यूम डी है यानी कि जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं डिलीट करके, उसमें जितने भी डेटा है उन सभी को आप अपने दूसरे ड्राइव में सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उसमें से कॉपी करके आप दूसरे में पेस्ट करके रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के साथ ही हमारे ड्राइव में जो भी डेटा रहेंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि ऑन अलोकेटेड हो गया है ये। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इस ड्राइव में इसको मर्ज करेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि डिस्क दूसरे डिस्क में अगर इसको आप मर्ज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस डिस्क में पार्टीशन किए हैं उसी डिस्क में ही इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम लोग यहाँ पर जो दूसरा डिस्क है इसमें हम लोग इसको मर्ज करें तो नहीं होगा, आपको इसी में ही करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद यहाँ पर हम लोग जिस ड्राइव में इसको मर्ज करना है, जैसे कि मान लीजिए हमको सी ड्राइव में मर्ज करना है, तो यहाँ पर हम लोग सी ड्राइव में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद सिंपली हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के साथ ही हमारा जो डिस्क पार्टीशन है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यू सेलेक्टेड द फॉलोइंग सेटिंग्स, यहाँ पर डिस्क सेलेक्टेड 0 है और इसका अमाउंट जो है यानी कि 37 GB लगभग है। तो हम लोग फिनिश करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डी ड्राइव का जो पार्टीशन था यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर केवल सी बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम लोग कंप्यूटर को देख लेते हैं ओपन करके। तो देखिए यहाँ पर जो है केवल दो ही डिस्क बचे हुए हैं, और यहाँ पर जो हमारा 4 GB का लगभग स्पेस बचा हुआ था यहाँ पर 40 GB फ्री हो चुका है, यानी कि जो हमारा पार्टीशन था वो ख़त्म हो चुका है और सी ड्राइव में जो है ये मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप अपने किसी भी डिस्क पार्टीशन को
मर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।